हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रेकर क्लासेस जैसा कि मैंने आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है हम लोग 2024 एक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लास्ट एग्जामिनेशन 2018 2024 तक हमारे जितने भी एम टाइप क्वेश्चंस रहे हैं केमिस्ट्री से जिसमें मैं आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमारे पास जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग उनको आज बारी बारी से स्टडी करते हैं और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही करते रहते हैं तो आपका काफी अच्छा एग्जामिनेशन बन सकता है जो आप 2024 में देने वाले हैं बिकॉज आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वहीं से क्वेश्चंस बनते रहते हैं बार बार और काफी क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट भी करते हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें जब भी आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन या हाफ ईयरली या जो भी आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरा पहला ही क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ एन आई सी एल फोर माइनस टू टू का कॉम्प्लेक्स है मेरे को इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है जैसा कि आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है बोर मैग्नेटोन ये हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है जैसा कि हमारे पास निकल का कॉम्प्लेक्स है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आने वाला है ट्वेंटी एट होता है अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक यूज करता हूं तो मेरे पास आएगा थ्री डी एट आएगा और फोर एस टू आएगा डी और वाइटल में मेरे पास आप देख सकते हैं कि पांच और वैटल प्रजेंट होते हैं डी के और जिसमें मेरे पास एट इलेक्ट्रॉन्स मेरे फिल हो जाएंगे और फोर एस में टू इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टू इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो एस का इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो जाएगा फाइनली टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बचने वाले हैं टू अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो आप लोग जानते हैं कि अगर अनपेड है तो ये पैरामैनेटिक होगा ये क्वेश्चन भी हो सकता है पेयरिंग होगी नहीं बिकॉज आपका ये जो निकल का कॉम्प्लेक्स है इसके पास बीक फील्ड लीगेंड प्रेजेंट है अगर स्ट्रॉन्ग होता तो पेयरिंग होती तो पेयरिंग तो होगी नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके एजेटिज बने रहेंगे तो टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इस वैल्यूज को यहाँ लगा लीजिएगा हालांकि वैसे मैं काफी हिंट करता रहता हूं कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपका मैग्नेटिक मोमेंटम लगभग उतना ही रहता है तो जब टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर आपका टू के आसपास आने वाला है और बाकी का पॉइंट लगाकर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं तो फाइनली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं तो उस हिसाब से भी आपका आंसर टू पॉइंट एट टू बोर मैग्नेटॉन आएगा बट आंसर इसका बी करेक्ट होगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आइसोमर से आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है मेरे पास दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और मेरे को कंपेयर करना है कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्लास ट्वेल्थ में हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फोर टाइप्स के ही अवेलेबल है एक आयोनाइजेशन है हमारे पास एक लिंकेज है एक हाइड्रेट है और एक कोऑर्डिनेशन है आयोनाइजेशन डिपेंड करता है काउंटर आयन पर अगर काउंटर आयन आपका इंटरचेंज करता है नेगेटिव लिगेंड से तो आयोनाइजेशन होगी ज आइसोमर्स एम्बिडेंट लिगेंट पे डिपेंड करती है यहां पर कोई भी एम्बिडेंट प्रेजेंट नहीं है हाइड्रेट आइसोमर्स वाटर मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आपकी डिपेंड करती है कि आपके कितने टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्रेजेंट होने चाहिए तो फाइनली यहां पर नेगेटिव इंटरचेंज कर रहा है सल्फेट नाइट्रेट्स इंटरचेंज कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा और ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है अलग अलग रीजन में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं आप अपना लगा सकते हैं फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री आपको बताना है कि कौन सा कॉम्पलेक्सेज यहां पर प्लस थ्री ऑक्सीडजन स्टेट एग्जिस्ट करता है तो आप देखिएगा थर्ड वाले आंसर का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री आने वाला है बिकॉज ऑक्जिलेटो का माइनस टू होता है थ्री टू या सिक्स कर लीजिएगा अगर आप इसे ट्रांसफर करेंगे सिक्स माइनस थ्री करने से आपका प्लस थ्री एग्जिस्ट हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका फिर अगला क्वेश्चन मेरे पास सीबीएससी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का ही है फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा कि आप सबको क्लियर दिख रहा है कि आयोनाइजेशन के लिए काउंटर आयन होने चाहिए हाइड्रेट के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए और लिंकेज के लिए एम्बिडेंट होना चाहिए लेकिन अगर टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्रेजेंट है तो आपका टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा तो मेरा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाता है फिर मेरा आता है फिर फिर, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मेरा आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड है यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो तीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको गिवन है ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म मैरिज्म शो करते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है काउंटर आयन से आप देख सकते हैं तो नो no डाउट ये आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा इसका आंसर फोर्थ होने वाला है डी आंसर करेक्ट होगा ये भी बीएससी 2023 का क्वेश्चन रहा था फिर मेरे पास आता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शो बाय द कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता दूं ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करने के लिए सिस फॉर्म जो होती है वो मिरर की नॉन सुपरइम्पोजिबल रहती है ये ऑप्टिकल एक्टिव होगी और आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगी एमएए टाइप का थ्री एम 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 ए ए थ्री टाइप का जो कॉम्प्लेक्सेस होता है ये दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं बट ट्रांसफॉर्म सुपर इम्पोजिबल आती है तो फाइनली इस केस में मेरा ए आंसर करेक्ट होगा फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इज ए चीलेट कॉम्प्लेक्सेज चीलेट का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है डेंटेड सिटी पर अगर आपके कॉम्प्लेक्स स्पेयर के अंदर कोई ऐसा लीगेंट प्रेजेंट है जिसकी डेंटेड सिटी इंक्रीज कर रही है तो चीलेट टेंडेंसी इंक्रीज करेगी अमोनिया आपका मोनोडेंटेड है अमोनिया सीएल ये भी मोनोडेंटेड है एफ फ्लोरिन ये भी आपका मोनोडेंटेड है बट ये न, आपका एक वाइडेंटेड है जो आपकी चीलेट की फैक्टर्स को इंक्रीज करेगा तो इस केस में भी मेरा बी आंसर करेक्ट होने वाला है और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स स्टेबल भी होते हैं अगर चीलेट टेंडेंसी बढ़ रही है तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट लिंकेज आइसोमर आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म डिपेंड करती है आपके एम्बिडेंट लिगेंड के नेचर पर अगर एम्बिडेंट अगर किसी के पास प्रेजेंट है तो नो डाउट लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा फर्स्ट वाले के पास अमोनिया और सीएन है ये दोनों मोनोडेंटेड है नेक्स्ट पर अमोनिया है और कार्बोनेट है ये भी आपके मोनोडेंटेड है ये वाइडेंटेड भी रहता है पर थर्ड वाले के पास एनो टू क्योंकि यहाँ एम्बिडेंट प्रेजेंट और एम्बिडेंट आपके क्लास ट्वेल्थ में मेरे पास एक तो सीएन हुआ करता है जिसका एम्बीडेंट एनसी बनता है एक एनो टू होता है जिसका एम्बिडेंट ओ एन ओ बना करता है और एक मेरा एससीएन हुआ करता है जिसका मेरा इम एनसीएस बना करता है तो एनओ टू प्रेजेंट है तो इस केस में सी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है फाइनली हम नाइन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नाइन क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज ए पॉलीडेंटेड लिगेंड तो अमोनिया आपका मोनोडेंटेड है इथैलीन डाइएम ये वाइडेंटेड आता है ऑक्जिलेटो भी वाइडेंटेड आता है बट इडीटीए माइनस फोर काफी इम्पोर्टेंट एक्जाम्पल है सीएससी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का आया हुआ क्वेश्चन था ये हेक्सा डेंटेड होगा डेंटेड सीटीज की सिक्स हुआ करती है आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे मेरा अगला क्वेश्चन है टेन क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो फेरिट सेकेंड इज ये मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सीबीएसई का सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है और ये मेरा एनसीआरटी का भी क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा सा स्पेशल रखेंगे और ये इसका आंसर बी होने वाला है आप इसको देख सकते हैं फिर मेरा अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ द दा कॉम्प्लेक्स डाईक्लोरोन वन टू डाइएम प्लेटेनियम फोर्थ नाइट्रेट तो अगर स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस की हुई है आईयूपीएसी का प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको मैं बता दू काउंटर लाइन बाहर जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के तो इसका आंसर बी होने वाला है क्योंकि ये फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी एग्जिस्ट करता है प्लेटेनियम की तो बी आंसर करेक्ट होगा इस केस में मैं आपको एक और चीज हिंट कर देता हूं कि जब भी कोई मेटल कार्बोनाइल हो और मेटल कार्बोनाइल में कोई भी मेटल प्रेजेंट हो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली उनके जीरो होते हैं और आप निकाल भी सकते हैं आयरन फाइव सीओ सीओ का जीरो होता है तो फाइनली आंसर जीरो ही आएगा मेरा अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग एंड इज एन एम्बीडेंट लीगेंड मैंने एम्बीडेंट के बारे में बताया था एक सी एन होता है हमारा एक एस सी एन होता है हमारा तो सीओ मेरा एम्बीडेंट नहीं होता है अमोनिया मेरा एम्बीडेंट नहीं है वाटर एम्बीडेंट नहीं है बट एनो टू मेरा एम्बीडेंट नेचर शो करता है तो इस केस में मेरा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा फाइनली फिर मेरा फोर्टीन क्वेश्चन जाता है द फॉर्मूला ऑफ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरो डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तो फाइनली मेरे को बताना है कि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको रखना है और आपका टेट्राइमैन तो टेट्राइमैन यहां पे आ रहा है एक्वा भी आ रहा है क्लोरो भी आ रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ रही है तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होने वाला है इस केस में फिर मैं चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन वही मेरा एमिडेंट लीगेंट से रिलेटेड है कि एमिडेंट लीगेंट लाइक एनओ एंड एस ये दोनों कैसे हैं सबको पता है ये यूनिडेंटेड होते हैं ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि ये दोनों कैसे होते हैं यूनिडेंटेड होते हैं एम्बीडेंट आपके जितने भी है वो सब यूनिडेंटेड होते हैं तो ए आंसर इस केस में करेक्ट होगा फाइनली सिक्सटीन क्वेश्चन मेरा ये भी ऑल इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी का आया हुआ क्वेश्चन था इससे पहले वाला क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में आया हुआ था टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ सीओ इन द कॉम्प्लेक्स मेरे पास ट्रिस्ट इथालीन डायमाइन कोवर्ल्ड का एक कॉम्प्लेक्स गिवन है जिसमें मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड रहता है फाइनली ई एन आपको लगता होगा कि थ्री टाइम्स है नहीं ई एन एक वाइड एंडेड है और ईच ई एन आपके यहाँ पर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है तो थ्री टू जैसा सिक्स हो जाएगा फाइनली आंसर बी होगा फाइनली हम सेवेंटीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेवनटीन क्वेश्चन में भी मेरे को कंपेयर करना है कि ये जो पेयर गिवेन हैल इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन रहा है ये हमारा आपको इस पेयर में कंपेयर करना है कि ये किस टाइप का आइस्रो मैरेज में एग्जिस्ट करते हैं फाइनली लिंकेज की कंडीशन में बता चुका था कि एम्बिडेंट का होना बहुत जरूरी है हाइड्रेट के लिए वाटर जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए टू आयन टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर का होना जरूरी है लेकिन काउंटर आयन प्रेजेंट है तो नो no डाउट और काउंटर आयन इंटरचेंज कर रहा है तो वहां पर आयोनाइजेशन होगी तो फाइनली सी आंसर मेरा इस केस में करेक्ट होने वाला है फाइनली क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा कहता है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी ऑल इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी का क्वेश्चन रहा है ऑफ द द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो डेंटेड सिटी पर डिपेंड करता है सीओ मोनोडेंटेड है वोटर मोनोडेंटेड है सी एन मोनोडेंटेड बट ऑक्लेटो वाइडेंटेड है ये स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगा तो सी आंसर इस केस में करेक्ट होने वाला है फाइनली फिर मेरे पास अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आय आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस मेरे को बताना है कि ये जो मेरे पास पेंटाएम आइन क्लोरो थर्ड क्लोराइड का ये जो कॉम्प्लेक्स है, है कितने आयन्स प्रोड्यूस करेगा जब आप इसका एनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर टू सीएल आने वाले हैं एक कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आएगा तो ओवरऑल थ्री आयन्स प्रोड्यूस होंगे नीचे वाला भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है आप देख सकते हैं थ्री सीएल से आने वाले हैं और एक कॉम्प्लेक्स से आने वाले हैं तो टोटल आयन्स यहाँ पे चार प्रोड्यूस होंगे और जिसकी आयंस ज्यादा होंगे उस कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर का क्वेश्चन है टू का अगर इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये बर्नर थोड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है वेन वन मोल ऑफ सीओ सीएल थ्री डॉट फाइव एन एस थ्री वॉज ट्रीटेड विद एक्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू मोल्स ऑफ एजीसीएल वन मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो काउंटर एन एक सीएल होगा अगर टू मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो काउंटर एन टू सीएल होंगे तो आंसर बी करेक्ट होगा ठीक है फाइनली इसके बाद हमारे पास और एक दो क्वेश्चन है आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ठीक है थीके? तो मेरे पास प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो सी से रिलेटेड और काफी पूछा जाता रहता है और एनसीआरटी का ही अच्छा क्वेश्चन है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्टाइडल क्रिस्टल फील्ड डेल्टी की वैल्यू आपको बतानी है किसके इक्वल होती है तो फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है फोर बाई नाइन डेलो के बराबर होती है तो ए आंसर इस केस में करेक्ट होगा और फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एब्जॉर्पन मैक्समा ऑफ सेवरबल ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स आय आर एज फॉलोज तो फाइनली एनर्जी आपकी जो हुआ करती है बेवलैथ के इनिवर्सरी पर पोषण होती है जिसका बेवलेंथ कम होगा उसका एब्जॉर्प्शन मैक्समा ज्यादा होगा या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि स्प्लेटिंग एनर्जी को हम उसके लीगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी कंपेयर कर सकते थे तो बी आंसर इस केस में करेक्ट होने वाला है फाइनली ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर विशेष फोकस करिएगा मेरा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है फाइनली आप देखिएगा कि मेरे पास एक ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स गिविन है और आपको टेट्टा हेडल कॉम्प्लेक्स का सी एफ एस सी कैलकुलेट करना है सी एफ एस सी निकालने के लिए डेल्टी की वैल्यू आपकी हुआ करती थी फोर बाय नाइन डेलो के बराबर डेलो की वैल्यू दे रखी है तो फोर बाइन नाइन नाइन वन एट ट्रिपल जीरो नाइन टू जा और फाइनली आंसर बी आने वाला है इस केस में ठीक है बी आंसर आपका इस केस में आने वाला है ठीक है उसके बाद मेरे पास और भी एक दो क्वेश्चन हैं आपके लिए आप उन दो दो और तीन क्वेश्चन को और कर लीजिएगा लगभग आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मैंने अलग अलग बुक्स से आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था जो सीबीएसई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आया फाइनली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीओ का आपको बताना है इस कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेज में मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कोबाल्ट और क्रोमियम का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्सेज आता है जनरली आप उसका आंसर थ्री कर दीजिएगा क्योंकि कोवल्ड क्रोमियम के नाइनटी परसेंट केसेज में आंसर प्लस थ्री आने वाला है हालांकि आप इसे सोल्व कर सकते हैं आंसर थ्री आएगा इस केस में भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर वापस है विच ऑफ द फॉलोविंग लीगेंड फ्रॉम ए चीलेट चीलेट की बात मैंने क्या कहा था कि फैक्टर चीलेट की जो फैक्टर है वो डिपेंड करती है डेंटेड सिटी पर ऑक्जिलेटोवाई डेंटेड है तो वाई डेंटेड है इस वजह से ये चीलेट कॉम्प्लेक्स के लिए आंसर करेक्ट होगा सी आंसर इस केस में करेक्ट होगा फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी आर इन सी आर सी एल टू ओ एक्स का टू आपको आपको लगेगा फोर फोर और टू आपका सिक्स होगा ये भी कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है फाइनली आपका ए आंसर इस केस में करेक्ट होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें इसे आप अपने केमिस्ट्री के एग्जाम को बहुत अच्छा कर सकते हैं बहुत अच्छा बना सकते हैं क्योंकि मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि क्वेश्चन करने से ही आपका एग्जाम नेशन अच्छा बनेगा थैंक यू